नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको अ ए ई स्वर अथवा मात्राओं को किस प्रकार से लिखते हैं इसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो कृपया इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें, यह वीडियो आपके बहुत ही काम आने वाला है। तथा हमारे चैनल राजेंद्र शर्मा टिप्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, जिससे कि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आता है तो सबसे पहले आप उसको देख सकें। तो शुरुआत करते हैं हम अ ए ई स्वरों से। सबसे पहले लिखते हैं अक, अक को हम लिखेंगे अ। इस पे हमने यहाँ पे हमने बिंदु लगाया बाईं तरफ, ये हो गया हमारा अक। इसके बाद में लिखेंगे हम एक इस तरह से, दूसरे स्थान पे हमने बिंदु को लगाया, बाईं तरफ लगाते हैं और ये हो हमारा ईक। ईक को भी हम इस तरह से लिखेंगे, ये तीसरे स्थान पे बिंदु आता है। इसके बाद में आता है हमारा अच, अच को हम ऊपर से नीचे इस तरह से लिखते हैं, दाएं से बाएं प्रथम स्थान पे इसको लगाया हमने बिंदु को, ये हो गया हमारा अच। एच, एच को हम दूसरे स्थान पर लगाते हैं और ये होता है हमारा ईच। ईच को तीसरे स्थान पे बाई तरफ भी लिखेंगे। इसके बाद आता है हमारा अट, अट को हम इस तरह से लिखते हैं, अट एकदम सीधा 90 अंश के कोण पे लिखेंगे, बाई तरफ लगाएंगे मात्रा को। इसके बाद आता है हमारा एट इस तरह से। इसके बाद में आता है हमारा ईट, ईट को भी हम एकदम सीधा और तीसरे स्थान पर लगा देंगे बाईं तरफ को मात्रा। आगे आता है हमारा अत, अत को इस तरह से लिखते हैं, बाईं तरफ लगाएंगे मात्रा को अत। अत के बाद में आता है हमारा एत, एत को दूसरे स्थान पर। इसके बाद में आता है हमारा ईत, ईत को तीसरे स्थान पर। आगे आता है हमारा अप, अप को एकदम ऐसे करके बनाएंगे ऊपर से नीचे की तरफ, बाएं से दाएं मात्रा इधर ही लगाते हैं बाईं तरफ। एप, एप को इस तरह से दूसरे स्थान पर मात्रा लगाएंगे। इसके बाद में आता है हमारा ईप, ईप को हम तीसरे स्थान पर लगाएंगे। इसके बाद आता है हमारा अम, अम को हम इस तरह से लिखते हैं ऐसे, म की मात्रा हम यहाँ लगाएंगे अम की प्रथम स्थान पे बाईं तरफ। एम, एम को दूसरे स्थान पर लगाएंगे और एम तीसरे स्थान पे बाईं तरफ। इसके बाद में आता है हमारा अन, अन को लगाएंगे हम इस तरह से, मात्रा हमारी बाईं तरफ ही लगेगी, ये हो गया हमारा अन। इसके बाद में आता है हमारा एन, ऐसे इसको लगाएंगे हम दूसरे स्थान पे। इसके बाद में आता है हमारा ईन, ईन को हम इस तरह से लिखते हैं और ये तीसरे स्थान पर लगेगी। ऐसे ही हमारा आता है अस, अस को भी हम इस तरह से लिखते हैं, स बनाया ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह से बाएं स्थान पे इसको लगाएंगे। अस के बाद में आता हमारा एस, एस को भी हम इसी तरह से लिखते हैं, इस तरह से इसे दूसरे स्थान पे लगाएंगे बाईं तरफ और ये होगा हमारा ईस, ईस को तीसरे स्थान पर लगाएंगे बाई तरफ मात्रा। इसके बाद में आता है हमारा अर, अर को हम नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे इस तरह से, यहाँ पे इस मात्रा को लगाएंगे बिंदु के रूप में प्रथम स्थान पे। उसके बाद में आता है हमारा एर, एर को दूसरे स्थान पर लगाएंगे। उसके बाद में आता है हमारा ईर, ईर को तीसरे स्थान पर लगाएंगे इस तरह से
को नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं। लास्ट में आता है हमारा अल, अल को हम लिखेंगे ऐसे, ला बनाया नीचे से ऊपर की तरफ और मात्रा लगा दी इस तरह से प्रथम स्थान पे बाईं तरफ। इसके बाद में आता हमारा एल, एल को इस तरह से लिखते हैं दूसरे स्थान पे लगाएंगे मात्रा बाईं तरफ। ईल, ईल को हम इस तरह से लिखेंगे तीसरे स्थान पे बाईं तरफ मात्रा को लगाया। आशा है दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।